नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं साउथ इंडियन के सबसे चहेते सुपरस्टार प्रभास के बारे में, जिन्होंने साउथ इंडियन के फिल्मी इंडस्ट्री को अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। प्रभास ने दर्जनों से ज्यादा सुपर हिट फिल्में दिए हैं। प्रभास की अगर फैन फॉलोइंग की बात किया जाए तो इंडिया में तो है ही, साथ के साथ विदेशों में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और प्रभास के हर एक फिल्म का विदेशों में भी अच्छी खासी कमाई होती है। और तो अभी के समय में बच्चा बच्चा प्रभास की मूवी को देखते हैं और हाल में ही प्रभास का सलार मूवी का टीजर आ गया है। क्या हाल में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी सलार मूवी? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। प्रभास की यह मूवी 350 करोड़ के बजट के आसपास का बताया जा रहा है। ये एक्शन ड्रामा फिल्म होगा। इसके कई पोस्टर रिलीज कर जिसमे प्रभास बिल्कुल ही बाहुबली की पोस्टर की तरह लग रहे हैं और एक अलग अंदाज में है। और इस पोस्टर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रशांत नील की डायरेक्शन से बनने वाली अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म सलार है, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद प्रशांत नील के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताया जाता है। जैसा कि प्रशांत नील की डायरेक्शन वाली केजीएफ चैप्टर 2 सुपर हिट हुई, उसी के अनुसार एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सलार मूवी भी सुपर हिट होगी। इस फिल्म के लीड रोल में सुपरस्टार प्रभास के अलावा श्रुति हसन है, जो कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी है। आपको बता दें कि रिलीज डेट फाइनल कर दिया गया है, जो कि कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को होने वाला है। प्रभास की जो फिल्म में जो लुक है वो आउटस्टैंडिंग है। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में लगभग 8,000 से 10,000 स्क्रीन पर रिलीज कर दिया जाएगा और इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन का कलेक्शन लगभग 100-150 करोड़ का हो सकता है। आपको क्या लगता है साउथ के सुपरस्टार की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।